Hi everyone, welcome back to our channel, and today we are going to do 7th chapter of English Literary Reader of class 6, which is Pollyanna, the game. So this chapter, what is this about? So Pollyanna is a little girl. She's a young girl, but she's orphan. Orphan means the kids who don't have parents. So jin bachon ke parents nahi hote, unko hum kya bolte hain? Orphan. Orphan, P-H-A-N. So ye ladki kis kya story hai ye? Ki ek choti ladki hai jo ek orphan hai, a young girl, aur uska pura naam kya hai? Pollyanna Whittier. Aur because wo orphan ho gayi hai, uske parents sab nahi rahe, to pehle mother nahi thi, to she used to live with her father bhi nahi hai, to ab wo apni ek auntie ke paas, who is called Aunt Polly, unke paas rehne aa gayi hai. Aur ab during her stay, isme bataya gaya hai ki uska ek to character bataya gaya hai ki ladki kaisi hai, to basically yahan bataya gaya hai ki आंट पॉली और उनकी एक हाउसकीपर है जिसका नाम है नैन्सी, उनके साथ वो रहने आई है और कैसे अपने बहुत ही प्लीजिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से शी चेंजेस द बिहेवियर ऑफ एवरीवन अराउंड हर. सो शी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड दैट एवरीवन इन दैट टाउन वेयर शी वेंट टू स्टे, जहाँ पे भी वो गई थी अपनी आंट के साथ रहने आफ्टर हर फादर एक्सपायर्ड, वहाँ पे सबका उसने मन मोह लिया एंड सबको अपने मतलब अपने इतने अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड से सबको खुश कर दिया दैट एवरीवन स्टार्टेड लाइकिंग हर. तो इफ़ वी एक्चुअली गो थ्रू द नॉवल वी कम टू नो कि वो एक 11 ईयर्स की ऑर्फन गर्ल है और वो अपनी आंटी के पास रहने आई है. वो आंटी एक्चुअली क्या है? बिकॉज इंग्लिश में दे कॉल चाची ताई एवरीवन मासी एवरीवन एंड आंटी, बट इफ वी गो थ्रू द नॉवल वी कम टू नो कि ये आंटी उसकी मासी है एक्चुअली, हर मदर हर लेट मदर सिस्टर है. एंड शी जो आंटी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और स्टर्न है, मतलब वो रूल्स बहुत फॉलो करती हैं. तो उनके पास वो रहने जाती है और अपने इस पॉजिटिव और बड़े ही फ्रेंडली जॉयफुल कैरेक्टर से वो आंटी का ऐसा स्टर्न और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड भी चेंज कर देती हैं. एंड देन शी टॉक्स अबाउट अ गेम विच इज़ कॉल्ड द ग्लैड गेम, जो उसने अब किससे सीखी थी? अपने पापा से सीखी थी. और दिस गेम एक्चुअली मीन्स कि यू हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, यू हैव टू लुक एट द नाइसर साइड ऑफ द थिंग्स. जितनी भी कोई बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, बट यू हैव टू सी द हैप्पियर साइड ऑफ दैट सिचुएशन, कि उस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ हैप्पी या पॉजिटिव चीज़ होगी. सो शी एक्सप्लेन्स दिस गेम टू द हाउसकीपर नैन्सी. सो दिस इज द होल इंटरेक्शन. बेसिकली इनिशियली मोस्ट ऑफ इट इज बिटवीन नैन्सी एंड पॉलियाना, एंड लेटर इट इज विद हर आंट पॉली. So let's start the story. Pollyanna Whittier, and I'll side by side try to discuss the extra questions as many as we can make from this chapter, so that isme se koi bhi extra objective type or whatever questions may be asked, you must be ready with the answers. Pollyanna Whittier, a young orphan girl who goes to live with her unfriendly aunt Polly. So Pollyanna Whittier ek young छोटी बच्ची है, बट शी इज़ एन ऑफन, और वो कहाँ जाती है? अपनी एक आंट पॉली के पास रहने जाती है. एंड यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ जाता है कि आंट पॉली कैसी है? अनफ्रेंडली. तो अगर आपको यू कैन नोट डाउन साइड बाय साइड, यू कैन मेक टू कॉलम्स दैट एक साइड आप लिख लो पॉलियाना, एक साइड लिख लो आंट पॉली. तो उनका कैरेक्टर स्केच के मेन मेन पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन एंड देन यू कैन प्रिपेयर दैम इन अ पैराग्राफ. तो फर्स्ट पॉइंट पॉलियाना का क्या है? दैट हर फुल नेम इज पॉलियाना विटियर. देन शी इज़ यंग ऑर्फन गर्ल. ठीक है, देन आंट पॉली का फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? दैट शी इज़ अनफ्रेंडली. ओके, नेक्स्ट, शी प्लेज द ग्लैड गेम. तो द ग्लैड गेम इज प्लेड बाय होम पॉलियाना, इन विच शी ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स. अब इस गेम में वो हमेशा कोई भी सिचुएशन है लाइफ में उसकी अच्छी साइड को ही देखती है, बुरी साइड को नहीं देखती. वो ये नहीं देखती कि ओहो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो देखती है कि इस ऐसा हो रहा है तो इसमें भी कुछ भगवान की अच्छा ही होगा, मतलब भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, या इस चीज़ में भी कुछ अच्छा ही है जो मेरे लिए हो रहा है. हाउएवर सैड और डिफिकल्ट डे में भी, तो जो भी चीज़ हैपनिंग हो रही है, सिचुएशन हो रही है उसकी लाइफ में, वो हमेशा उसकी अच्छी साइड ही देखती है. पॉलियाना इज हैप्पी एंड स्पिरिटेड नेचर. सो ये अनदर पॉइंट आ गया पॉलियाना का कैरेक्टर स्केच में, दैट शी हैज हैप्पी एंड स्पिरिटेड नेचर. स्लोली ट्रांसफॉर्म्स एवरीवन अराउंड हर. तो उसकी इतनी अच्छी नेचर थी कि उस एवरीवन जो भी उसके आसपास था वो चेंज हो गया उसका एटीट्यूड, इवन हर स्टर्न आंट. तो आंट के लिए अभी तक हमने दो वर्ड यूज़ करी है, अनफ्रेंडली एंड स्टर्न. यहाँ तक कि उसकी जो स्ट्रिक्ट आंटी थी उसका एटीट्यूड भी पॉलियाना की तरफ चेंज हो गया. नाउ इन दिस एक्सर्प्ट मीन्स इन दिस पार्ट ऑफ द नॉवल फ्रॉम पॉलियाना. पॉलियाना एक बहुत बड़ी नॉवल है विच इज़ इन 11-12 सीरीज, सीक्वल है पूरा. एंड हु हैज़ रिटन दिस? इट इज़ रिटन बाय एलियान एच पोर्टर. तो इसमें हमने इसी गेम के बारे में डिस्कस करना है. पॉलियाना टॉक्स अबाउट अ गेम टू नैन्सी. नाउ हु इज़ नैन्सी? नैन्सी के बारे में आप अलग से एक कॉलम बना लो. तो नंबर वन नैन्सी क्या आएगी? शी इज़ अ हाउस कीपर हु फाइंड्स इट स्ट्रेंज एट फर्स्ट. तो हाउस कीपर है जिसको ये गेम, इट मतलब गेम हेयर, कौन सी गेम? द ग्लैड गेम. तो उसको ये गेम पहले बहुत ही स्ट्रेंज लग रही है, अजीब लग रही है, बट लेटर बाद में जाके वो डिसाइड कर लेती है कि ओके पॉलियाना आई विल प्ले इट विद यू. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. दिस वॉज ब्रीफ अबाउट द चैप्टर. मिस पॉलियाना, व्हाट अ स्केयर यू गेव मी, पैंटेड नैन्सी हरिंग अप टू द बिग रॉक डाउन विच पॉलियाना हैड जस्ट स्लिड. अब इसका क्या मतलब है कि मिस पॉलियाना व्हाट अ स्केयर यू गेव मी, ये कौन बोल रहा है? देखो दिस इज एन इन्वर्टेड कॉमाज हियर. तो दिस मीन्स कि ये वर्डिंग है जो किसी ने बोली है एज इट इज़. इन्वर्टेड कॉमाज में वही वर्ड्स होते हैं जब कोई किसी का डायलॉग एज इट इज़ मैंशन किया जाता है. तो हेयर ये कौन बोल रहा है? ये नैन्सी बोल रही है. पैंटेड नैन्सी, पैंटेड मीन्स बहुत गहरे सांस लेना, डीप ब्रेथ लेनी. हरिंग अप टू द बिग रॉक, और वो कहाँ जा रही है? बिग रॉक की तरफ. डाउन विच पॉलियाना हैड जस्ट स्लिड. तो इसका क्या मतलब है कि जो नैन्सी थी वो एक रॉक की तरफ जा रही थी और एकदम अपने ध्यान से जा रही थी. तो जैसे ही वो जा रही थी सामने से उस रॉक के ऊपर से एकदम स्लिड करके, स्लाइड करके कौन आ गई? पॉलियाना आ गई. तो एकदम नैन्सी क्या है? डर गई. स्केयर, अब वो उसको कह रही है कि ओहो पॉलियाना तुमने तो मुझे डरा दिया. स्केयर रिप्लाइड पॉलियाना. पॉलियाना पूछ रही है ओहो स्केयर तुम डर गई? ओ आई एम सो सॉरी बट यू मस्ट नॉट एवर बी गेट स्केयर अबाउट मी नैन्सी. और वो कह रही है कि वो तुम इतनी सी बात पर डर गई, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए.
पोलियाना नैन्सी को बोल रही है, फादर एंड द लेडीज एड यूज टू गेट स्केयर्ड टू टिल द फाइन आई ऑलवेज केम बैक ऑल राइट। तो वो कह रही है कि मेरे पापा और एक लेडीज एड भी ऐसे ही डर जाया करती थी जब तक कि उन्हें ये नहीं पता चला, मतलब बाद में उन्हें पता चला कि मैं जब भी कहीं खेलने जाती हूँ मैं ठीक ठाक ही वापस आती हूँ। दिस मीन्स यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो पोलियाना है पहले कहाँ रहती थी, अपने पापा के साथ और एक लेडीज एड के साथ, ठीक है, और वो वहाँ पे भी ऐसे ही शरारत करती थी। बट उसके पापा और लेडीज एड शुरू में तो ऐसे ही डर जाते थे, बट बाद में उन्हें पता चला कि ये नटखट लड़की है और ये ऐसे ही शरारतें करती रहती है, तो धीरे धीरे उन्होंने डरना बंद कर दिया। नाउ हियर कम्स आवर फर्स्ट वर्ड लेडीज एड। तो वी नीड टू नो लेडीज एड क्या होता है। तो लेडीज एड एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन है जो फंड्स रेज करती है किसके लिए, चर्च के लिए, और जो मेडिसिन अरेंज करती है फॉर एंड अदर नेसेसरी आर्टिकल्स अरेंज करती है सोल्जर के लिए। तो मेन क्या चीज़ याद रखनी है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन। और क्या क्या काम करती है, नंबर वन विच रेज्ड फंड्स, जो करती थी, जो फंड्स रेज करती थी चर्च के लिए। नंबर टू वो मेडिसिन और नेसेसरी आर्टिकल्स को अरेंज करती थी सोल्जर्स के लिए। तो दो पॉइंट हो गए, रेज्ड एंड अरेंज्ड, ये दो पॉइंट्स अगर आप मैंशन करोगे मीनिंग में तो फुल मार्क्स। सो लेडीज एड, तो पहले वो कहाँ रहती थी, यहाँ से पहला वन क्वेश्चन कैन बी मेड कि पहले पोलियाना कहाँ रहती थी, फादर एंड लेडीज एड में रहती थी। नेक्स्ट, बट आई डेंट इवन नो यू हैड गॉन, क्राइड नैन्सी टकिंग द लिटिल गर्ल्स हैंड अंडर हर आर्म एंड हरिंग हर डाउन द हिल। अब वो कह रही है नैन्सी, पर मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम गई कब, गई कब कहाँ से, मतलब घर से। दिस मीन्स कि नैन्सी घर से कहीं आई है बाहर हिल की तरफ, ठीक है, और ये पोलियाना घर में ही थी बट किसी को पता ही नहीं चला कि वो घर से कब निकल गई, ठीक है। अब वो ये इसलिए नैन्सी कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम गई भी थी, यू हैड गॉन, कि तुम घर से निकल गई थी। और फिर उसने क्या किया, क्योंकि ये लड़की घर से निकल गई है तो उसका हाथ पकड़ के अपनी अंडर आर्म में टक्कर लिया और फटाफट उसे हिल से नीचे लेके जाने लगी। तो उसने पोलियाना का हैंड नैन्सी ने टकिंग किया अपनी अंडर आर्म में, हरिंग हर डाउन द हिल, दैट मीन्स ये दोनों लेडीज़ कहाँ हैं अभी, मतलब वो लड़की और ये नैन्सी कहाँ हैं, हिल के ऊपर हैं। आई डेंट सी यू एंड नो बडी एल्स डिड। अब वो नैन्सी उसको कह रही है कि ना तो मैंने देखा ना किसी और ने देखा तुम घर से बाहर निकली कब। आई थिंक यू फ्लू राइट अप थ्रू द रूफ, आई डू। वो कहती मुझे तो सच्ची में, आई डू मीन्स मुझे, वो थोड़ा प्रेशराइज कर रही है अपनी बात पे कि मुझे तो सच्ची में ऐसा लग रहा है कि शायद तुम रूफ में से, मतलब सीलिंग में से उड़ के बाहर निकली हो क्या। पोलियाना स्किप्ड ग्लीफुली, तो पोलियाना क्या कर रही थी, शायद वो स्किपिंग कर रही थी उस टाइम पे, जॉयफुली, हैप्पीली, ग्लीफुली मीन्स जॉयफुली। आई डिड ऑलमोस्ट, अब ये कौन बोल रहा है, पोलियाना टू नैन्सी। तो वो क्या कह रही है, हाँ ऑलमोस्ट मैंने ऐसा ही किया था, बट एक्चुअली मैं क्या किया था आगे बता रही है, कह रही है ऑलमोस्ट ऐसी ही कोई चीज़ करी थी, ओनली आई फ्लू डाउन इंस्टेड ऑफ अप। वो कह रही है कि हाँ जैसा आप कह रहे हो ना कि यू फ्लू राइट अप थ्रू द रूफ, क्या तुम रूफ में से उड़ के बाहर निकली हो घर से, क्योंकि हमने तो किसी ने तुमको देखा ही नहीं घर से बाहर आते हुए। तो वो कह रही है हाँ कुछ ऐसा ही किया था, बट मैं ना रूफ से ऊपर उड़ के नहीं निकली, इंस्टेड मैं आई फ्लू डाउन, मैं नीचे उड़ के निकली हूँ, और मैं कहाँ से आई हूँ, आई केम डाउन द ट्री। नैन्सी स्टॉप्ड शॉर्ट, स्टॉप शॉर्ट मीन्स सरप्राइज हो जाना, सडनली एकदम चुप हो जाना और हैरान हो जाना। You did what? So this is who is speaking these words? You did what? Who said these? Nancy to Pollyanna. अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे पोलियाना एक अपने रूम में थी, घर में थी, नैन्सी को भी लगा कि वो तो घर में बैठी है, नैन्सी आई है बाहर अपना हिल पे कोई काम करने। अब वो वहाँ आई है तो वहाँ एकदम से एक रॉक से वो अपने ध्यान से जा रही थी कहीं बिग रॉक की तरफ, उससे एकदम से सामने से स्लाइड करती हुई पोलियाना ने आके उसको डरा दिया, स्केयर कर दिया। अब वो उसको कह रही है मुझे तो पता भी नहीं लगा ना किसी और को पता कि तुम घर से कब निकल गई। तो वो कह रही है कि मैं घर से, और क्या तुम रूफ से उड़ के निकली हो, नैन्सी उसको बोल रही है। तो वो कह रही है नहीं मैं कहीं से उड़ के नहीं निकली, मैं रूफ से नहीं उड़ी बट मैं ट्री, आई केम डाउन द ट्री, मैं ट्री से उतर के बाहर आई हूँ। दिस मीन्स क्या हो सकता है कि उसके रूम की खिड़की से वो ट्री से उतर के यहाँ पे आ गई हिल के पास पोलियाना, और किसी को खबर ही नहीं है घर में कि पोलियाना घर पे है ही नहीं, इसीलिए नैन्सी हैरान हो रही है कि तुमने ये क्या किया। केम डाउन द ट्री आउटसाइड माई विंडो, नाउ हु इज़ स्पीकिंग, पोलियाना इज स्पीकिंग टू नैन्सी। सो यू कैन सी दीज टू, नैन्सी एंड पोलियाना, दे आर चैटिंग। केम डाउन द ट्री, अब वो कह रही है कि मैं आउटसाइड मेरे रूम की विंडो से, के पास एक ट्री था उससे मैं ट्री से कूदी और विंडो से कूदी, ट्री पे चढ़ी और ट्री से मैं बाहर आ गई और अब मैं यहाँ हिल पे हूँ। माई स्टार्स एंड स्टॉकिंग्स, सो दिस इज़ एन एक्सक्लेमेशन रिमार्क विच इज़ यूज बाई नैन्सी अगैन एंड अगैन। सो आपको अगर क्वेश्चन आ सकता है कि वट इज द एक्सक्लेमेशन रिमार्क यूज बाई नैन्सी, तो यू विल राइट माई स्टार्स एंड स्टॉकिंग्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क हियर। The meaning which you can write for this is an exclamation for surprise. And it is also given at the back, the meaning an exclamation of surprise. My stars and stockings, gasped Nancy, hurrying on again. I would like to know what your aunt would say to that. Ab wo keh rahi hai jaise aajkal hum use karte hain OMG. To yahan pe wo purane time ki story hai. तो ये कब की स्टोरी है, अप्रॉक्सीमेटली 1903 आई गेस दिस वाज रिटन, तो इट्स बीन मोर देन 100 इयर्स। तो उस टाइम पे दिस इज एन आउटडेटेड एक्सक्लेमेशन फ्रेज विच इज़ यूज्ड। तो अब यहाँ पे वो कह रही है आई वुड लाइक टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस हरकत पे आंट पॉली क्या कहेगी। वुड यू, अब ये कौन बोल रहा है, पोलियाना टू नैन्सी, कहती अच्छा तुम जानना चाहती हो कि आंट पॉली क्या कहेंगी, वेल आई टेल हर देन। तो ये कह रही है अच्छा चलो मैं ही बता दूंगी आंट को कि मैं ऐसे उनके घर से निकली हूँ, सो यू कैन फाइंड आउट, और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि जब आंटी को पता चलेगा मैंने ये हरकत करी है तो आंटी का क्या रिएक्शन है। बिकॉज यहाँ पे वो उसको कह रही है, थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रही है पोलियाना को कि बेटा जब तुम्हारी इतनी स्ट्रिक्ट आंटी को पता चलेगा कि तुमने ये हरकत करी है, तुम विंडो से उतर के, पेड़ से उतर के तुम ऐसे बाहर घूम रही हो घर के, तो आंट पॉली जी क्या कहेंगी। वो कह रही है अच्छा तुमको जानना है आंट पॉली क्या कहेंगी, मैं खुद ही बता देती हूँ आंटी को कि मैंने ये किया है।
आई टेल हर देन. तो ये पॉलियाना बोले कि मैं खुद ही बता देती हूँ सो दैट यू कैन फाइंड आउट, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि आंट पॉली का क्या रिएक्शन होगा. प्रॉमिस द लिटिल गर्ल चीयरफुली. अब अगेन विच वर्ड इज यूज्ड फॉर पॉलियाना? चीयरफुली. तो शी वॉज अ चीयरफुल गर्ल. मतलब वो डर नहीं रही है कि पॉलिया ये नैन्सी उसको थोड़ा सा कोशिश कर रही है बट वो डर नहीं रही. वो कह रही है अच्छा तुमको देखना ना आंट पॉली क्या कहेगी, मैं खुद ही बता देती हूँ तो देख लेना उनका क्या रिएक्शन होगा. मर्सी गैस नैन्सी नो नो. मर्सी मतलब वो कह रही है ना जी ना प्लीज मत बताना ना, नो नो प्लीज कृपा करो और तुम आंट पॉली को तो मत ही बताना अपनी इस हरकत के बारे में. वाई यू डोंट मीन शीट केयर, क्राइड पॉलियाना प्लेनली डिस्टर्ब. तो वो कह रही कि क्यों तुम नहीं जानना चाहती कि वो क्या कहेंगी और क्या उन्हें मेरी कुछ केयर भी है या नहीं. नो येस वेल नेवर माइंड आई डोंट रियली वॉन्ट टू नो वट शीट से ट्रूली स्टैमर्ड नैन्सी. अब वो क्या यहाँ पे वो क्या कर रही है, ये जो हमारे को एक्सप्रेशन दिख रहे हैं यहाँ पे आई आई नो येस वेल, वो थोड़ी सी कन्फ्यूज होगी कि ये कैसी लड़की है, मैं इसको डराने की कोशिश कर रही हूँ और ये मुझे ही उल्टा कही जा रही है कि चलो मैं ही बताती हूँ. तो थोड़ा सा स्टैमर करने लगी. स्टैमर मीन्स हकला के बोलना, मीन्स ब्रेक ले लेके बोलने लगी कि नहीं नहीं नेवर माइंड लीव दिस, मेरे को नहीं जानना. आई डोंट रियली वॉन्ट टू नो कि आंट पॉली क्या कहेंगी. वट शी वुड से मीन्स आंट पॉली, शी हियर मीन्स आंट पॉली. आई डोंट रियली वॉन्ट टू नो एंड हु इज सेइंग दिस, नैन्सी इज सेइंग दिस टू पॉलियाना. स्टैमर्ड नैन्सी एंड हेयर शी इज स्टैमरिंग मीन्स शी इज टॉकिंग विद ब्रेक्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एक्सप्रेशन भी ऐसे दिए हैं रिपीटेडली जब एक ही बात बोलते हैं. नैन्सी डिटर्मिन टू कीप वन स्कोल्डिंग फ्रॉम पॉलियाना. अब वो क्यों मना कर रही है, आई डोंट वॉन्ट टू से. वो कह रही नहीं नहीं मर्सी मीन्स नहीं नहीं कृपा कर मत ही बताना आंटी को, मुझे नहीं जानना कि आंट पॉली क्या कहेंगी. वो क्यों उसने कहा वाई डिटर्मिन टू कीप वन स्कोल्डिंग फ्रॉम पॉलियाना, बिकॉज इसका मीनिंग क्या है, दिस फ्रेज टू कीप वन स्कोल्डिंग फ्रॉम पॉलियाना का मतलब है क्योंकि वो पॉलियाना को स्कोल्डिंग से बचाना चाहती थी. इसका मीनिंग इज रिटन एट द बैक, लेट्स फाइंड आउट. सो शी वॉन्टेड टू सेव पॉलियाना फ्रॉम येट अनदर स्कोल्डिंग. अब देखो यहाँ वर्ड यूज हुआ है अनदर. अनदर का मतलब कि पॉलियाना को इससे पहले भी डांट पड़ चुकी है और वो डांट क्यों पड़ चुकी है ये हमें अभी पता चलेगा. तो अब वो नहीं चाहती कि दोबारा से पॉलियाना को फिर से डांट पड़े. बट से वी बेटर हरी, I have got to clean the dishes, you know. Now who's saying this? Nancy, Pollyanna को कह रही है बट अब बताना मत आंटी को, पर हमें जल्दी जाना चाहिए घर क्योंकि मुझे dishes भी क्लीन करनी है, बर्तन धोने हैं. I will help, promised Pollyanna promptly. मतलब immediately उसने कहा Pollyanna ने कि कोई बात नहीं मैं आपकी हेल्प कर दूंगी बर्तन धोने में, dishes क्लीन करने में. ओ मिस Pollyanna, protested Nancy. तो Nancy उसको कह रही है ओ protested means मना करना कि नहीं नहीं तुम रहने दो. ओ मिस Pollyanna मतलब क्योंकि शी इज अ लिटिल गर्ल ना, सो Nancy इज टेलिंग नहीं नहीं ऐसा नहीं करना तुमने मेरे साथ बर्तन नहीं धोने. फॉर अ मोमेंट देयर वाज अ साइलेंस. The sky was darkening fast. Pollyanna took a firmer hold of her friend's arm. तो अब यहाँ पे क्या है, sky dark हो रहा है मतलब late evening का time है. And Pollyanna took the firmer hold of her friend's arm. और Pollyanna ने strongly hold कर ली her friend's arm. Friend कौन बन गई यहाँ पे, अब who's the friend here? Nancy. तो Nancy की क्या पकड़ी थी उसने, arm पकड़ी थी strongly. I'm glad after all that you did get scared a little because then you came after me. She shivered. अब वो क्या कह रही है Pollyanna, this is Pollyanna speaking to Nancy, कि I'm glad, I'm happy कि तुम डर गई थी because उसी बहाने तुमने मेरे से बात करनी शुरू करी. Poor little lamb, and you must be hungry too. Now, ये कौन बोल रहा है? So this Nancy is speaking to Pollyanna. And who is poor little lamb referred to here? Poor little lamb किसको बोला गया है? Pollyanna, because वो young लड़की है, तो उसको Nancy बुला रही है. Poor little lamb, तुमको तो भूख भी बहुत लगी होगी. Because अब शाम का टाइम हो गया है. I'm afraid you'll have to have bread and milk in the kitchen with me. Your aunt did not like it because you didn't come down to supper, you know. So this is the first incident जहाँ से हमें पता चलता है कि उसको पहले डांट कब पड़ी थी. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना दट शी हैड शी वॉन्टेड टू सेव हर फ्रॉम अनदर स्कोल्डिंग. अनदर स्कोल्डिंग मतलब एक और डांट से बचाना चाहती थी, तो इससे मतलब उससे पहले भी डांट पड़ी थी. पहले डांट कब पड़ी थी यहाँ पे, क्योंकि वो कह रही है आई एम अफ्रेड, वो कह रही है एम सॉरी, नैन्सी कह रही है पॉलियाना को कि तुमको मेरे साथ ब्रेड एंड मिल्क ही लेना पड़ेगा और वो भी किचन में बैठ के और वो भी मेरे साथ. वो मेरे साथ क्यों बोल रही है, बिकॉज एक्चुअली शी इज अ हाउस मेड. तो वो यहाँ पे कह रही है कि तुमको ना मेरे साथ एक मेड के साथ बैठ के ब्रेड और मिल्क खाना पड़ेगा और वो भी किचन में बैठ के, बिकॉज जनरली ये लोग कहाँ पे बैठ के खाते हैं, डाइनिंग रूम में. योर आंट डिडंट लाइक इट, तो तुम्हारी आंटी को क्या नहीं पसंद आया, तुम्हारा एटीट्यूड, बिकॉज यू डिडंट कम डाउन टू सफर. तुम नीचे डाइनिंग हॉल में या डाइनिंग रूम में सफर के लिए, सफर इज एन इवनिंग मील, तुम सफर के लिए टाइम पे नहीं आई थी. बट आई कॉन्ट, आई वॉज अप हेयर. अब ये Pollyanna का कह रही है कि मैं कैसे आती, ये Pollyanna बोल रही है टू नैन्सी. आई वॉज अप हेयर कि मैं तो यहाँ पे हिल, अप हेयर मीन्स अब से पता चलता है कि वो तो यहाँ पहाड़ों पे हिल्स पे थी, तो मैं कैसे आ पाती सफर पे ऑन टाइम. येस बट शी डिडंट नो दैट यू सी, बट शी डिडंट नो दैट यू सी. अब वो कह रही है कि हाँ तुम्हारी बात सही है बट तुम्हारी आंटी को तो नहीं पता था. तो ये कौन बोल रहा है, ये Nancy बोल रही है Pollyanna को कि बेटा तुम तो खुद यहाँ पे आ गई पेड़ों से लटक के नीचे और हिल पे चढ़ गई, बट तुम्हारी आंटी को थोड़ी पता था, आंटी को तो यही पता था कि तुम अपने रूम में हो. ऑब्जर्व Nancy ड्राइली, आई एम सॉरी अबाउट द ब्रेड एंड मिल्क. आई एम नॉट अगेन शी स्ट्रेसिंग कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि तुमको मेरे साथ बैठ के किचन में ब्रेड एंड मिल्क खाना पड़ेगा. ओ आई एम नॉट, आई एम ग्लैड. अब ये कौन बोल रहा है, Pollyanna टू Nancy कि बट मैं तो, मुझे तो कोई सॉरी फील नहीं हो रहा, मैं तो खुश हूँ बल्कि. ग्लैड वाई, Nancy पूछे तेरे को किस चीज़ की खुशी चल रही है, इसमें खुश होने की क्या बात है. वाई आई लाइक ब्रेड एंड मिल्क, कह रही वाई मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेड एंड मिल्क बहुत पसंद है एंड आई वुड लाइक टू ईट इट विद यू, और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हारे साथ बैठ के ब्रेड एंड मिल्क खाऊंगी. आई डोंट सी एनी ट्रबल अबाउट बींग ग्लैड, वो कह रही है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती खुश होने में. अबाउट दैट
यू डोंट सीम टू सी एनी ट्रबल बींग ग्लैड अबाउट एनीथिंग, रिटॉर्टेड नैन्सी. तो नैन्सी क्या बोल रही है, नैन्सी बोल रही है कि बेटा तुमको तो किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती. यू डोंट सीम टू सी, तुम किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती बींग ग्लैड अबाउट एनीथिंग, कि तुम तो किसी भी चीज़ के लिए ग्लैड हो जाती हो और किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें खुश होने में कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं है. चोकिंग अ लिटल, और वो थोड़ा सा चोक होके बोल रही है. चोक होके मीन्स वेन हमारे गले से आवाज़ थोड़ी प्रॉपरली नहीं निकलती. एज शी रिमेंबर्ड, अब वो चोक क्यों हो रही है, जैसे जैसे उसको याद आ रहा है पॉलियानाज ब्रेव अटेम्प्ट टू लाइक हर बेयर लिटिल एटिक रूम. और ये चोक क्यों हो रही है, क्योंकि उसको साथ साथ याद आ रहा है कि पॉलियाना कितनी ब्रेव है कि उसको उसका बेयर लिटिल एटिक रूम. एटिक रूम क्या होता है कि जब ये फॉरेन के हाउसेज में, ऐसे हाउसेज बने होते हैं तो इन हाउसेज में इस जगह पे जो रूम बना होता है छोटा सा, उसको बोला जाता है एटिक, एटिक रूम. तो वो कहती है कि चोक होके, मतलब उसको ऐसा लग रहा है चोक क्यों हो रही है, क्योंकि उसको याद आ रही है, रिमेंबर कर रही है कि पॉलियाना कितनी ब्रेव लड़की है कि उसको एक बेयर लिटिल एटिक रूम में डाल दिया गया आंट पॉली के घर में, और तब भी उसको वो रूम पसंद आया. हर अटेम्प्ट टू लाइक हर रूम. नाउ हियर दे कैन आस्क यू कि रूम कैसा था जिसमें पॉलियाना रहती थी. तो द वर्ड्स हियर यूज्ड आर बेयर लिटिल एटिक रूम में उसको डाला गया था रहने के लिए, आंट पॉली के घर में. कैसा रूम मिला था उसको, बेयर, बेयर मींस खाली, जहां पे कुछ भी नहीं था. लिटिल छोटा सा, और एटिक मींस यहां पे ऊपर वाली पर छत्ती टाइप वाली जगह में, जो हट वाली जगह होती है ना छोटी सी, वहां पे एक रूम दे दिया उसको रहने के लिए. पॉलियाना लाफ्ड सॉफ्टली. वेल दैट्स द गेम, यू नो, एनीवे द गेम. अब ये कौन बोल रहा है, दिस इज पॉलियाना टू नैन्सी. द गेम क्वेश्चन मार्क है, दिस इज अ डायलॉग, कुछ पूछा जा रहा है. और कौन पूछ रहा है, नैन्सी पूछ रही है. यस द जस्ट बीइंग ग्लैड गेम. Who's saying this? Pollyanna to Nancy. वो कह रही है yes, ये गेम है जिसका नाम है just being glad. Glad means just being happy. Whatever in the world are you talking about? तो ये कौन कह रही है, Nancy कह रही है हाँ whatever. कुछ भी दुनिया की कोई भी बात बोली जा रही है कि ये कोई गेम खेल रही है. Why? It's a game. अब who's saying this? Pollyanna. Pollyanna कह रही है कि why तुम ऐसे क्यों बोल रही हो. This is actually a game. Father explained it to me. तो इसका मतलब उसने ये गेम किससे सीखी थी, अपने पापा से. And it's lovely, answered Pollyanna. और Pollyanna कह रही है कि मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी और ये बहुत ही अच्छी गेम है. It's a lovely game. We have played it always ever since I was little girl. वो कह रही है मैंने तो हमेशा से, वी मतलब उसने और उसके पापा ने, ये गेम तब से खेली है जब से वो एक छोटी सी बच्ची थी. I told the ladies' aid and they played it. Ladies' aid मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो रहती थी वहाँ की लेडीज़ को भी उसने ये गेम बताई थी एंड वो भी वो ये गेम खेलते थे. वेल सम ऑफ देम डिड. तो वो कह रही है वो भी खेलते थे, बट बाद में वो क्लियर कर रही है कि सारी लेडीज़ नहीं खेलती थी, कुछ लेडीज़ खेलती थी. तो दिस कैन कम इन ट्रू एंड फॉल्स कि लेडीज़ एड की क्या, डिड ऑल द लेडीज ऑफ लेडीज एड यूज टू प्ले दिस ग्लैड गेम विद पॉलियाना? नो, ओनली सम ऑफ देम यूज टू प्ले. वॉट इज इट? आई एम नॉट मच ऑन गेम्स दो. सो कौन बोल रहा है, नैन्सी. वो कह रही है कि ये क्या गेम है, मुझे तो ज़्यादा गेम्स के बारे में वैसे पता भी नहीं है. पॉलियाना लाफ्ड अगेन बट शी साइड टू. पॉलियाना फिर से हंसने लगी, मतलब क्यों हंस रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि ये मतलब ये स्ट्रेंज सी गेम है जो नैन्सी को समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो थोड़ा सा हंस रही है. बट शी साइड टू, साइड मीन्स टेकिंग अ डीप ब्रेथ, उसने लंबा सा सांस लिया. इन द गैदरिंग ट्विलाइट हर फेस लुक थिन एंड विस्टफुल. और इस ट्विलाइट में, ट्विलाइट मीन्स लेट इवनिंग वेन सनसेट हो जाता है बट पूरी तरह डार्क भी नहीं होता था, डार्कनेस हो रही होती है, तो उसका फेस कैसा लग रहा था, थिन एंड विस्टफुल. विस्टफुल मीन सैड. अब वो थोड़ा सा हंसी प्लस उसने लंबा सा सांस भी लिया और उसका फेस थोड़ा पतला और सैड सा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि शायद उसको अपने पापा की याद आ गई, क्योंकि उसने अपने फादर के बारे में बोला ना अभी. वाई वी बिगैन प्लेइंग इट विद सम क्रचेस दैट केव इन अ मिशनरी बॉक्स. नाउ हु इज सेइंग दिस? देखो ये सब डायलॉग्स इनवर्टेड कॉमास में, तो ये सब डायलॉग्स हैं जो नैन्सी और पॉलियाना एक दूसरे के साथ चैट कर रही हैं. तो अब ये कौन बोल रही है, ये पॉलियाना बोल रही है नैन्सी को कि हमने ये गेम खेलना शुरू किया था कब, वेन वी गॉट सम क्रचेस. क्रचेस क्या होते हैं? क्रचेस होते हैं बैसाखी. तो द इंस्ट्रूमेंट, या आप कह लो जो चीज़, जो लोग चल नहीं पाते, पीपल हु आर लेम, जिनकी लेग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, वो लोग इसको यूज़ करते हैं. आई जस्ट शो यू द पिक्चर. सो यू सी दीज आर द क्रचेस व्हेन वी यूज़ कुछ ना कुछ जब लेग में इंजरी हो या लेग्स में प्रॉब्लम हो. सो हियर शी इज सेइंग कि हमने ये गेम खेलनी कब शुरू करी थी. वी बिगैन, वी कौन है यहाँ पे, उसके पापा एंड पॉलियाना. दे बिगैन प्लेइंग दिस गेम विद सम क्रचेस. तो कब खेलनी शुरू करी? व्हेन दे गॉट क्रचेस. एंड वो कहाँ से आए थे क्रचेस? इन अ मिशनरी बॉक्स. एक मिशनरी बॉक्स में क्रचेस आए थे, मतलब एक कुरियर बॉक्स में कोई क्रचेस आए थे. क्रचेस, तो ये हैरान हो के कौन बोल रहा है, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है पीछे. तो ये नैन्सी बोल रही है कि व्हाट क्रचेस, मतलब वो हैरान हो रही है थोड़ा कि क्रचेस के ऊपर तुमने गेम बना ली. यस यू सी आई वांटेड अ डॉल. तो अब वो पूरी स्टोरी बता रही है कि ये स्टोरी क्या है और ये गेम कैसे शुरू हुई. तो पॉलियाना कह रही है कि मुझे एक्चुअली में एक डॉल चाहिए थी एंड फादर हैड रिटन फॉर इट टू. और मेरे फादर ने रिटन फॉर इट मतलब ऑर्डर फॉर इट, मेरे फादर ने ऑर्डर की थी डॉल. बट व्हेन द बॉक्स केम द लेडी रोट दैट दे हैडंट एनी डॉल्स ओनली लिटिल क्रचेस. बट जब उनको बॉक्स मिला, जब उनका ऑर्डर आया, तो उसमें एक लेडी ने नोट डाला हुआ था कि हमारे पास डॉल्स नहीं है, हमारे पास ये सिर्फ क्रचेज ही हैं. सो शी सेंड देम अलॉन्ग एज दे माइट कम इन हैंडी फॉर सम चाइल्ड सम टाइम. तो उस लेडी ने उस बॉक्स में क्रचेस डाल के भेज दिया कि तुमने ऑर्डर प्लेस किया था तो हम ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहे, बट हम ये क्रचेस भेज रहे हैं कि शायद कभी किसी के लिए काम आ जाए, किसी बच्चे के लिए. एंड दैट्स वैन वी बिगैन टू प्ले इट. अब वो कह रही है कि उसी टाइम से हमने ये गेम प्ले करनी शुरू करी, हमने मतलब उसने और उसके पापा ने. क्यों? उसके पापा ने सिखाया. देखो जब उसने डॉल मंगवाई, आगे क्रचेस, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शोर में चाहते लग जाते हैं कि ओ मुझे तो ये चाहिए था डॉल ही आई. तो उसके पापा ने उस टाइम उसको गेम समझाई क्या कि आपको जो चीज़ नहीं चाहिए थी वो मिल गई, आपको उसके बारे में खुश होना चाहिए, ना कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो उसके बारे में रोते रहो. तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैड गेम, टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन.
Even in disappointment, you have to search happiness. Well, I must say, I can't see any game about that, declared Nancy almost irritably. अब वो नैन्सी यहाँ इरिटेट हो गई है क्योंकि उसको इस गेम के बारे में एक्चुअली में समझ ही नहीं आ रहा है. वो कह रही है कि मुझे तो इसमें कोई गेम नहीं दिखती. I can't see any game about that. Oh yes, the game was just to find something about everything to be glad about. तो ये पॉलियाना उसको समझा रही है कि एक्चुअली में गेम क्या है, कि हमको फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है? हैप्पीनेस. हर एक चीज़ में टू फाइंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग टू बी ग्लैड अबाउट. सारी चीज़ों में हमें कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिनके बारे में कि हम खुश हो पाएं. नो मैटर व्हाट इट इज़, कोई मैटर नहीं करता कि क्या सिचुएशन है या क्या चीज़ है वो, बट जो भी कोई चीज़ है हमें उसमें कुछ ना कुछ चीज़ फाइंड समथिंग, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ खुश होने वाली ढूंढनी है. रीजॉइन पॉलियाना अर्नेस्टली, ऑनेस्टली बोल रही थी वो ये सारी चीज़ें. एंड वी बिगैन राइट देन ऑन द क्रचेस. और वो कह रही है, और हमने ये सब जैसे ही हमारे पास क्रचेस आए उसी टाइम से हमने ये गेम खेलनी शुरू कर दी, उसने और उसके पापा ने. वेल गुडनेस मी, आई कांट सी एनीथिंग टू बी ग्लैड अबाउट, गेटिंग अ पेयर ऑफ क्रचेस व्हेन यू वांटेड अ डॉल. अब ये कौन बोल रहा है? नैन्सी बोल रही है पॉलियाना को कि ये कैसी बात हुई, तुम्हें चाहिए डॉल थी, तुम्हें मिल गए क्रचेस और उसमें भी खुश हो जा रहे हो तुम, ये कैसी बात है? मतलब नैन्सी की समझ में नहीं आ रही एक्चुअली कि वो बहुत बड़ी बात कह रही है, छोटी सी लड़की, कि जो भी तुम्हें लाइफ में मिले तुम्हें उसमें खुशी देखनी है, तुम्हें उसमें दुख नहीं देखना, तुम्हें उसके बारे में दुखी नहीं होना. शायद तुम्हें ऐसे करना है कि जो भी चीज़ हो रही है शायद वो अच्छे के लिए हो रही है, तो हर चीज़ में तुम्हें एक अच्छा पहलू देखना है. अब वो इतनी बड़ी बात एक छोटी सी लड़की बोल रही है, बट नैन्सी की समझ में अभी भी नहीं आ रही, इसलिए वो थोड़ा इरिटेट हो रही है. वो कह रही है कोई गेम हुई चाहिए, कुछ और था, मिल गया कुछ और तभी तुम खुश हो जा रहे हो. पॉलियाना क्लैप्ड हर हैंड्स. अब यहाँ पॉलियाना अपने हैंड्स क्लैप करने लगी कि ओहो तुम्हें अभी समझ नहीं आई. देयर इज शी क्रोड का क्या मतलब? नाउ हियर क्रोड मींस क्राई आउट विक्टोरियसली. विक्टोरियसली मतलब जीत की खुशी में जैसे क्राई आउट करते हैं. तो यहाँ पे वो बोलती है देयर इज, वो कह रही है कि हाँ भाई इसमें गेम है, देयर इज समथिंग टू बी ग्लैड अबाउट, क्योंकि इसने बोला ना आई कांट सी एनीथिंग टू बी ग्लैड अबाउट. वो कह रही है देयर इज समथिंग टू बी ग्लैड अबाउट, वहाँ पे कुछ खुश होने वाली चीज़ें हैं. और वो बार बार बोल रही है, क्रो कर रही है, मीन्स रिपीटेडली बोल रही है, क्राई आउट कर रही है, इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है क्रो आउट. बट आई कांट सी इट एट फर्स्ट ईदर. और वो कह रही है नैन्सी को पॉलियाना कि मुझे भी फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली मुझे भी ये समझ नहीं आई थी. शी एडेड विद क्विक ऑनेस्टी. अब वो ऑनेस्ट गर्ल है तो दिस इज अनदर क्वालिटी कि वो ऑनेस्ट है. तो वो बता रही है कि इनिशियली मुझे भी ये गेम समझ नहीं आई थी, फादर हैड टू टेल मी, मुझे पापा ने ही ये गेम समझाई थी. तो अनदर क्वालिटी आप क्या लिख सकते हो? ऑनेस्ट. अभी तक हमने और क्या नोट करी थी? शी वॉज ऑर्फन, शी वॉज चेयरफुल, शी वॉज ग्लीफुल, शी वॉज ऑप्टिमिस्टिक एंड नाउ शी इज ऑनेस्ट हियर. वेल देन सपोज यू टेल मी, ऑलमोस्ट स्नैप नैन्सी. वो कह रही है अच्छा जी अगर ये गेम है और तुम्हें भी नहीं समझ आई और मुझे भी नहीं समझ आ रही, चलो जी फिर मुझे बताओ, यू टेल मी. गूजी वाई, जस्ट बी ग्लैड बिकॉज यू डोंट नीड देम. अब यहाँ पे क्या बोल रही है? गूजी वाई, मतलब अब ये बोल रही है पॉलियाना बोल रही है स्टुपिड, तुम इस गेम को स्टुपिड कह रही हो क्यों? जस्ट बी ग्लैड बिकॉज यू डोंट नीड देम, सेड पॉलियाना ट्राइफेंटली. वो कह रही है कि ये कोई स्टुपिड गेम नहीं है, जस्ट बी ग्लैड, तुम खुश हो जाओ जब कोई तुम्हें चीज़ मिले, तुम खुश हो जाओ बिकॉज यू डोंट नीड देम. अब ये बहुत बड़ी बात कह रही है कि जब तुम्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, तुम्हें वो चीज़ मिल गई, तुम उसी बारे में खुश हो जाओ कि ओ मुझे तो चाहिए नहीं थी फिर भी मिल गई. तो सी बच्चे क्या करते हैं? बच्चे रोना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो चाहिए नहीं थी, मुझे तो दूसरी चाहिए थी, मुझे ये क्यों मिल गई. बट वो इतनी बड़ी चीज़ बोल रही है कि तुम्हें नहीं चाहिए थी फिर भी मिल गई, तो इस बात के लिए ही तुम खुश हो जाओ, सेड पॉलियाना ट्राइम्फेंटली. ट्राइम्फेंटली मीन्स विक्टोरियसली. यू सी इट्स जस्ट एज ईजी वैन यू नो हाउ. तो वो कह रही है कि देखो ये बहुत ईजी गेम है, बट तब ईजी लगती है जब आपको पता है कि कैसे खेलनी है, वैन यू नो हाउ टू प्ले इट. वेल ऑफ ऑल द क्वियर थिंग्स, क्वियर मीन्स स्ट्रेंज. ब्रीद नैन्सी. वो कह रही है ओहो ये तो बहुत ही अजीब सी बातें कर रही है, स्ट्रेंज सी बातें. रिगार्डिंग पॉलियाना विद ऑलमोस्ट फियरफुल आइज. और वो बड़ी अजीब तरह फियरफुल आइज से नैन्सी पॉलियाना को देख रही है कि क्या बातें करी जा रही है, लड़की इतनी अजीब सी. ओ बट इट इजंट क्वेयर, इट्स लवली, कंटिन्यूड पॉलियाना एंथुसियास्टिकली. अब फिर से पॉलियाना उसका जवाब दे रही है कि नो दिस इज नॉट अ स्ट्रेंज गेम, ये बहुत ही लवली गेम है, बहुत ही अच्छी गेम है. और अभी भी पॉलियाना देखो क्या क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो, एंथुसियास्टिकली, ट्रायम्फेंटली, मतलब वो इतना एंथुसियास्टिक, मतलब इतनी एनर्जेटिकली और इतनी विक्टोरियस वाली आवाज़ में, मतलब जीतने वाली आवाज़ में, या इतनी कॉन्फिडेंटली बता रही है कि ये गेम बहुत ही अच्छी गेम है, अगर हम सीख लें कि कैसे खेलते हैं तो ये हमको आ सकती है और ये एक्चुअली में स्ट्रेंज गेम नहीं है, स्टूपिड गेम नहीं है. एंड वी हैव प्लेड इट एवर सिंस. और वो कह रही है तो बहुत ही अच्छी गेम है और मैं जब से छोटी लड़की थी, एवर सिंस मीन्स व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल, तब से मैं ये गेम खेलती आ रही हूँ. एंड द हार्डर इट इज़ द मोर फन इट इज़ टू गेट देम आउट, ओनली समटाइम्स इट्स ऑलमोस्ट टू हार्ड. तो वो कह रही है कि सब ज़्यादा मज़ा कब आता है, एंड हार्डर इट इज़, मतलब मुश्किल कब होती है गेम खेलनी, जितना ज़्यादा मुश्किल उतना ज़्यादा मोर फन, उतना ही ज़्यादा फन. एंड द हार्डर इट इज़ द मोर फन इट इज़. तो वो कह रहे हैं कि जितना आपको किसी सिचुएशन में खुशी ढूंढनी मुश्किल लगती है, उतना ही ज़्यादा इस गेम खेलने में मज़ा आता है, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है टू गेट देम आउट. देम मीन्स गुड मोमेंट्स ढूंढने में, गुड मोमेंट्स निकालने में उस सिचुएशन से. ओनली समटाइम्स इट्स ऑलमोस्ट टू हार्ड. बट कहती कई सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ये गेम खेलनी, जैसे फर्स्ट सिचुएशन वो बता रही है. तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि कौन सी सिचुएशन में पॉलियाना को द ग्लैड गेम खेलनी बहुत मुश्किल लगी थी. तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन योर फादर गोज टू हेवन, मीन्स उस सिचुएशन में जब पॉलियाना के फादर की डेथ हुई थी, उस सिचुएशन में उसको ये गेम खेलनी बहुत मुश्किल लगी थी कि अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या खुश होने के लिए ढूंढूं. एंड देयर इजंट एनीबॉडी बट अ लेडीज एड लेफ्ट. और वो कह रही है कि और कोई नहीं बचता तुम्हारे पास
जब और सिर्फ लेडीज एक बच जाती है तुम्हारी कंपनी के लिए तुम्हारे साथ, बिकॉज उसकी मम्मी भी नहीं है, और जब उसके फादर भी एक्सपायर हो गए, तो उस वो मोमेंट एक बहुत ही मुश्किल मोमेंट था, जब उसके लिए बहुत ही मुश्किल था ये गेम खेलना, और उसके साथ और कोई भी नहीं फैमिली का बचा था, सिर्फ एक लेडीज एड, एक वो ऑर्गेनाइजेशन ही बच गई थी. यस, और वेन यू आर पुट इन अ स्निपी लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस विद नथिंग इन इट, ग्राउल्ड नैन्सी. नाउ दिस इज द सेकंड सिचुएशन जहां पे ये गेम खेलना बहुत मुश्किल हुआ था. तो ये नैन्सी बता रही है कि अच्छा, पहली सिचुएशन तेरे लिए ये थी जब तेरे फादर एक्सपायर हुए, तो कहती दूसरी तो यही हुई होगी कि जब तेरे को एक छोटे से वो स्निपी लिटिल रूम, अब ये स्निपी लिटिल रूम किसको बोला जा रहा है, एटिक रूम को, बेयर एटिक रूम को, कि जब तुमको वो बेयर एटिक रूम में डाल दिया गया, स्निपी लिटिल रूम में डाल दिया गया ऑन द टॉप ऑफ द हाउस जिसमें कुछ भी नहीं था, तब भी ये गेम खेलनी बहुत मुश्किल हुई होगी. दैट पॉलियाना साइड, साइड मींस अगेन शी टुक अ डीप ब्रेथ, उसने लंबा सा सांस लिया. दैट वॉज अ हार्ड वन एट फर्स्ट, शी एडमिटेड, उसने एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था उस सिचुएशन में भी, मतलब ये वाली हाउस वाली सिचुएशन में भी, जब उसको ऐसा रूम मिला, उस रूम वाली सिचुएशन में भी ये गेम खेलना बड़ा मुश्किल था. मतलब उस रूम, जब वो रूम मिला तब उसमें उसको लग रहा था कि अब इस रूम के बारे में मैं क्या खुश हूँ, कि ये तो इतना बेयर कुछ भी नहीं है इस रूम में, छोटा सा रूम दे दिया मुझे, तो ऐसी सिचुएशन में उसको मुश्किल लग रहा था कि मैं क्या खुशी ढूंढूं. स्पेशली वेन आई वॉज फीलिंग सो लोनली, और वो उस टाइम पे शी वॉज फीलिंग, तो वो कह रही है कि इस सिचुएशन में एक्चुअली में बहुत हार्ड था जब मेरे को उस रूम में डाला. इट वॉज एक्चुअली हार्ड एट फर्स्ट, मतलब पहले मेरे को बड़ा हार्ड लगा, और वो एडमिट कर रही है, क्योंकि मैं उस रूम में लोनली थी, बहुत अकेली थी. आई जस्ट डिडंट फील लाइक प्लेइंग द गेम, और मुझे ये गेम खेलने का बिल्कुल मन नहीं करा, मतलब कि मुझे उसमें कोई भी पॉजिटिव साइड नहीं नजर आ रही थी. एंड आई हैड बीन वॉन्टिंग टू हैव प्रिटी थिंग्स सो मच, तो इसका क्या मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि मुझे जब मैं आंट पॉली के घर में जाऊंगी तो मुझे वहां पर प्रिटी प्रिटी थिंग्स मिलेंगी, सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी. तो दिस वॉज अ एक्सपेक्टेशन कि वेन शी विल कम टू आंट पॉलीज हाउस, वट वॉज शी एक्सपेक्टिंग, दैट शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड गेट प्रिटी थिंग्स इन हर आंट्स हाउस, क्योंकि उसकी आंटी बहुत रिच थी. बट जब उसको एक ऐसा एटिक रूम मिल गया, स्निपी लिटिल रूम मिल गया विदाउट एनीथिंग, तो उसको शुरुआत में तो बहुत धक्का लगा, उसको बहुत मुश्किल हुई, और ऊपर से वो लोनली थी, बिल्कुल अकेली थी. देन आई रिमेंबर्ड हाउ आई हेटेड टू सी माई फ्रेकल्स इन द मिरर, फिर उसको याद आया जब उसको ये बुरी बुरे ख्याल आ रहे थे मन में कि मैं ये गेम अब कैसे खेलूंगी और मेरा बिल्कुल खेलने का मन नहीं है गेम, तब उसको क्या याद आया, उसको दो चीज़ों से उसने, मतलब दीज आर द टू थिंग्स जब उसने दोबारा ये गेम खेलने का डिसीजन लिया. नंबर वन थिंग क्या थी, उसको ये याद आया कि अगर मैं ऐसे उदास रहूंगी तो मेरे फेस पे आई विल गेट फ्रेकल्स, आई विल सी फ्रेकल्स इन द मिरर ऑन माई फेस, कि मेरे फेस पे फ्रेकल्स आ जाएंगे. फ्रेकल्स क्या होते हैं, जो हमारी चीक्स पे छोटे छोटे ब्राउन डॉट्स आ जाते हैं. आई विल जस्ट शो यू, सो यू सी दीज ब्राउन स्पॉट्स, दीज आर द फ्रेकल्स. तो उसने ये सोचा कि मुझे तो अगर मैं ऐसे ही उदास रहूंगी तो मेरे फेस पे फ्रेकल्स ना आ जाए, और मुझे ये मिरर में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. आई हेट टू सी फ्रेकल्स इन द मिरर. दूसरा रीजन, आई सॉ दैट लवली पिक्चर आउट ऑफ विंडो टू, और उसको अपने रूम की, जो उसको रूम मिला था उस रूम के बाहर, उस रूम में एक विंडो थी, उस विंडो से बाहर बहुत ही लवली पिक्चर थी, लवली पिक्चर मीन बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा व्यू था. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, देर वर टू रीजंस when she thought of playing the game again. Number one reason was that she didn't want to see freckles in the mirror. Number two reason was that she saw the lovely picture out of the window of her room. So then I knew I had found the things to be glad about. और तब उसको पता चल गया कि अब मुझे चीज़ मिल गई है खुश होने वाली. क्यों? क्योंकि विंडो के बाहर उसका रूम चाहे जैसा मर्जी था, छोटा था, बेयर रूम था, कुछ भी नहीं था, बट उसकी रूम की विंडो से बाहर बहुत ही सुंदर व्यू था, और यही एक खुश होने वाली बात थी. यू सी वैन यू आर हंटिंग फॉर द ग्लैड थिंग्स, अब वो ये फिर से बहुत बड़ी बात कह रही है कि जब आप हंट कर रहे होते हो अच्छी चीज़ें ढूंढने के बारे में, ग्लैड थिंग्स मीन्स ऐसी थिंग्स जिनके बारे में खुश होना है, जब आप ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हो, यू सॉट टू फॉरगेट द अदर काइंड, मीन्स जब आप अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे होते हो, खुश होने वाली चीज़ें ढूंढ रहे होते हो, तो आप बुरी चीज़ें, अदर काइंड मीन्स अपोजिट चीज़ें, अनहैप्पी चीज़ें भूल जाते हो. लाइक द डॉल यू वॉन्टेड, यू नो, कैरियर, जैसे मेरे को डॉल चाहिए थी और जब मुझे क्रचेस आए और मैंने ये गेम खेलनी शुरू करी, तो मैं क्रचेस के बारे में हैप्पी हो गई कि वाओ मुझे तो क्रचेस चाहिए नहीं थे, फिर भी मुझे मिल गए, और मैं डॉल के बारे में बिल्कुल भूल गई. चोक नैन्सी ट्राइंग टू स्वालो द लंप इन हर थ्रोट. अब यहाँ पे नैन्सी को फिर से चोकिंग की फीलिंग हो रही है. क्यों? क्योंकि अब ये छोटी सी लड़की ने अपनी लाइफ में कैसे कैसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि उसके फादर एक्सपायर हो गए, उसको अकेले रहना पड़ा लेडीज एड में, फिर अकेले उसको ऐसे रूम में डाल दिया गया. तो वो कह रही है कि ये छोटी सी लड़की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और वो ये इमोशनल हो रही है इस टाइम पे. और इसका मीनिंग पीछे भी दिया गया है, trying to swallow the lump in her throat means trying to stop crying, कि जब आप बहुत emotional हो जाते हो और आप, मतलब आपको रोना आ रहा है पर आप अपना रोना रोकते हो, and at that moment you are not able to speak, या आप जब बोलते भी हो तो बहुत मुश्किल से बोलते हो. To have a lump in your throat is to have a strong feeling of emotion. When you feel like crying, for example, that makes speaking difficult. तो जब आप रोने वाली हालत में होते हैं और बोलना बहुत मुश्किल हो जाए, उसको बोलते हैं टू स्वॉलो द लंप इन हर थ्रोट. जनरली इट डजेंट टेक सो लॉन्ग, साइड पॉलियाना. अब वो पॉलियाना फिर से लंबा सांस लेके बोल रही है, साइड मींस शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड, जनरली इट डजेंट टेक सो लॉन्ग, भी जनरली ये गेम खेलना या गेम सीखने को इतना टाइम नहीं लगता. एंड लॉट्स ऑफ टाइम्स नाउ आई जस्ट थिंक ऑफ देम विदाउट थिंकिंग, यू नो, और वो कह रही है एंड लॉट्स ऑफ टाइम, अब तो बहुत बारी ऐसे होता है कि मैं ये गेम विदाउट थिंकिंग मींस प्रॉम्प्टली सडनली, वो कह रही है कि मैं ऑटोमेटिकली ही ये गेम, मतलब ऑटोमेटिकली ही आ जाती है, बिकॉज इट हैज़ बिकम हर हैबिट नाउ, कि कोई भी चीज़ में अच्छी चीज़ ढूंढना, शी इज बिकम सो यूज टू प्लेइंग दिस गेम कि उसको ट्राई नहीं करना पड़ता. लॉट ऑफ टाइम नाउ आई जस्ट थिंक ऑफ देम विदाउट थिंकिंग, कि मुझे सोचना भी नहीं पड़ता और मुझे अपने आप ही पॉजिटिव थिंग्स मिल जाती हैं किसी भी सिचुएशन में. आई हैव गॉट सो यूज टू प्लेइंग इट, कि मुझे ये गेम खेलने की इतनी आदत हो गई है कि मुझे सोचना भी नहीं पड़ता और मैं हर सिचुएशन में उसका पॉजिटिव पहलू ढूंढ लेती हूँ. इट्स अ लवली गेम फॉर फादर एंड आई यूज टू लाइक इट सो मच, शी फॉल्टर्ड. फॉल्टर्ड का क्या मतलब है, हियर इट इज मेंशनड, फॉल्टर्ड मीन्स टू स्पीक अनस्टेडीली.
अब बिकॉज वो यहाँ पे अपने पापा के बारे में बोल रही है, फादर, तो थोड़ा अनस्टेडी होकर बोल रही है, थोड़ा सा आवाज़ में कंपकपान आ रही है उसकी, बिकॉज वो पापा को याद कर रही है कि मैं और मेरे पापा इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आई सपोज दो इट विल बी अ लिटिल हार्डर नाउ एज लॉन्ग एज आई हैवंट एनीबडी टू प्ले इट विथ। अब वो कह रही है पर अब मुझे लगता है आई सपोज कि ये गेम खेलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, अ लिटिल हार्डर नाउ बिकॉज अब मेरे साथ ये गेम खेलने के लिए कोई नहीं है। फिर वो ये बात बोलने के बाद आफ्टर थॉट उसके बाद वो सोच रही है मे बी आंट पॉली विल प्ले इट दो, तो वो सोच रही कि शायद आंट पॉली मेरे साथ खेल ले। तो ये बात बोलने के बाद फिर से उसके दिमाग में एक थॉट आया, और आफ्टर थॉट का मतलब एक बात बोलने के बाद जब आपके दोबारा दिमाग में कोई थॉट आया, आपके दोबारा दिमाग में कोई बात आई और फिर वो बोली कि शायद आंट पॉली मेरे साथ खेल ले, मे बी मीन्स शायद, शी एडेड एज एन आफ्टर थॉट। उसने ये बात बोलने के बाद जब उसको ख्याल आया तो उसने ये बात भी उसके साथ ऐड कर दी कि अभी तो मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है पर क्या पता आंट पॉली मेरे साथ कभी खेल ले। माय स्टार्स एंड स्टॉकिंग्स हर, अब ये देखो एक्सक्लेमेशंस हैं और हर कौन है, हर किसको एड्रेस किया गया यहाँ पे, हु इज रेफर टू एज हर, दिस इज आंट पॉली। ब्रीथ नैन्सी, अब नैन्सी का ये एक्सप्रेशन अगेन एक्सक्लेमेशन वाला, सरप्राइज वाला, माय स्टार्स एंड स्टॉकिंग्स विद एक्सक्लेमेशन साइन, तो वो कह रही है कि वाह वाह जरूर। ब्रीथ नैन्सी बिहाइंड हर टीथ, बिहाइंड हर टीथ मतलब अपने मुंह में ही बुड़बुड़ करना जिसको बोलते हैं, दांतों में आवाज़ दबा के बोल रही थी कि जरूर जरूर बेटा जरूर खेलेगी वो। देन शी सेड अलाउड, तो पहले वो अपने मुंह में बोल रही थी अब वो ऊंची बोल रही है, सी हियर मिस पॉलियाना आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल प्ले इट वेरी वेल एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई नो हाउ टू प्ले इट एनी वे बट आई विल प्ले इट विद यू, आई जस्ट विल, आई विल। अब वो यहाँ पे क्या कह रही है, वो आंट सॉरी नैन्सी कह रही है पॉलियाना को कि देखो अब ये ऊंची बोल रही है, कह रही है कि देखो मैं ये नहीं कहती कि मैं ये गेम बहुत अच्छी तरह खेलूंगी, मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये गेम खेलनी आती है या मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट सेइंग आई नो हाउ टू प्ले इट, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये गेम खेलनी आती है बट मैं आपके साथ ये गेम खेलूंगी, आई जस्ट विल, आई विल। सो सी इज रीअश्योरिंग हर बिकॉज वो सोच रही है कि एक छोटी सी लड़की जिसके साथ इतना कुछ हो गया और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तो क्या मैं उसके साथ एक ये गेम नहीं खेल सकती, और उसको बुरा लग रहा है कि वो लड़की कह रही है कि मैं अब अकेली रह गई हूँ। ओ नैन्सी क्राइड पॉलियाना गिविंग हर अ टाइट हग, तो इसका मतलब अब वो बहुत खुश हो गई पॉलियाना और उसको उसने हग कर लिया पॉलियाना ने नैन्सी को, दैट विल बी स्प्लेंडेड वोंट वी हैव फन, तो कह रही है वाओ ये तो बहुत ही फैंटास्टिक बात है कि तुम मेरे साथ ये गेम खेलोगी, वोंट वी हैव फन, क्या हमें मजा नहीं आएगा ये खेलने में। मे बी कंसीडेड नैन्सी, कंसीडेड मीन्स एक्सेप्टेड, अब नैन्सी एक्सेप्ट तो कर रही है कि हाँ शायद मजा आए बट अभी भी वो डाउट में है, क्लियरली इन डाउट, क्योंकि वो बोल रही है मे बी, तो ये नैन्सी बोल रही है पॉलियाना को, बट यू मस्ट नॉट डिपेंड काउंट टू मच ऑन मी, काउंट का मतलब डिपेंड, पर तुम मेरे पे इतना भी डिपेंड मत होना, यू नो आई नेवर वॉज गुड एट गेम्स, मैं गेम्स खेलने में कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं ये गेम तुम्हारे साथ बहुत अच्छी खेलूंगी, बट आई एम गोइंग टू ट्राई हार्ड ऑन दिस वन, पर मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये गेम तुम्हारे साथ अच्छी तरह से खेल पाऊँ और ये सीख पाऊँ। यू आर गोइंग टू हैव समवन टू प्ले इट विद एनी हाउ शी फिनिश्ड एज दे एंटर द किचन टुगेदर, तो वो कह रही है चल तेरे साथ कोई तो आ गया ना ये गेम खेलने के लिए, यू आर गोइंग टू हैव समवन, तुम्हें कोई तो मिला ये गेम खेलने के लिए, और तभी वो अपने हाउस की किचन में एंटर हो गई, मतलब अभी तक ये सारी जो वार्तालाप चल रही थी, कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वो भी रास्ते में ही चल रही थी। नाउ पॉली एट हर ब्रेड एंड मिल्क विद गुड एपेटाइट, तो बिकॉज उसको बहुत भूख लगी हुई थी पॉलियाना को, तो उसने अपना ब्रेड एंड मिल्क खाया, कहाँ पे खाया, किचन में ही, क्योंकि उसको ये पनिशमेंट मिली हुई थी, वो सफर पे टाइम पे नहीं पहुंची थी, तो आंट पॉली ने उसको पनिशमेंट दी थी। देन एट नैन्सी सजेशन, तो नैन्सी ने उसको सजेस्ट किया कि तुम जाओ और आंट पॉली से मिलो, तो नैन्सी के सजेशन पे पॉलियाना वेंट इनटू द सिटिंग रूम, पॉलियाना कहाँ पे गई, सिटिंग रूम में, वेयर आंट वॉज सैट रीडिंग, जहाँ पे आंट पॉली रीडिंग कर रही थी बैठी। आंट पॉलियाना लुक्ड अप कोल्डली, तो अब उन्होंने उसकी तरफ कोल्डली देखा, कोल्डली मतलब बहुत प्यार से नहीं देखा, मतलब थोड़ा रूडली देखा। Have you had your supper, Pollyanna? So who's saying this now? This is a question here. So Aunt Polly is asking this question to Pollyanna. Yes, Aunt Polly. I'm very sorry, Pollyanna, to have you sent into the kitchen to eat bread and milk. So Pollyanna ki auntie ko, Aunt Polly ko thoda bura lag raha hai aur wo keh rahi hai, I'm sorry ki mujhe tumhe bhejna pada bread and milk khane ke liye kitchen mein. But I was really glad you did, Aunt Polly. Wo keh rahi hai, Aunt Polly, nahi nahi, aap bura mat socho. Mere ko to bahut khushi hui. I was real glad. Main to bahut happy hoon. I like bread and milk. Mujhe to bread and milk bahut acha lagta hai. And Nancy too. Mujhe Nancy bhi bahut achi lagti hai. You must not feel bad about that one bit. Ki aapko is one bit means about this whole thing. You should not feel bad about because main to bahut khush hoon. मुझे ब्रेड एंड मिल्क भी अच्छा लगा, नैन्सी भी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। आंट पॉली सडनली सैट अ लिटिल मोर अपराइट इन हर चेयर, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, व्हाई शी सैट अ लिटिल मोर अपराइट, बिकॉज शी वॉज सरप्राइज एट पॉलियानाज रिप्लाई कि ये लड़की क्या बोल रही है, मैंने तो इसको पनिशमेंट दी थी और ये कह रही है मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब वो आंट पॉली थोड़ी सी हैरान हो रही है कि ये कैसी लड़की है भाई, ये तो बड़ी अजीब लड़की है, पनिशमेंट में भी मजा ले रही है। पॉलियाना इट्स क्वाइट टाइम यू वर इन बेड, तो वो कह रही है कि अब ये टाइम हो गया है, यू शुड स्लीप, सो दिस इज द होल कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। यू हैड अ हार्ड डे एंड टुमारो वी मस्ट प्लान योर आवर्स, तो उसको कह रही है कि तुम्हारा आज हार्ड डे था क्योंकि आंटी ने उसको पनिशमेंट दी थी, तो उसके लिए मुश्किल दिन था, तो क्या एक्चुअली उसके लिए मुश्किल था, उसने तो इतने मजे किए हैं दिन में, वो मजे कर लिया और आंटी सोच रही है कि बेचारी को मैंने पनिशमेंट दी थी। एंड टुमारो वी मस्ट प्लान योर आवर्स, मतलब प्लान योर आवर्स मीन्स वी मस्ट प्लान योर टाइम टेबल, कि आप पूरे दिन में क्या क्या करोगी। एंड गो ओवर योर क्लोथिंग, गो ओवर योर क्लोथिंग मीन्स वी विल रिव्यू योर क्लोथिंग, मीन्स वी विल चेक कि वट ऑल क्लोथ यू हैव एंड वट ऑल क्लोथ्स आर नीडेड टू बाय फ्रॉम द मार्केट टू सी वट इज नेसेसरी टू गेट फॉर यू, हम तुम्हारे सारे क्लोथ्स भी चेक करेंगे ये देखने के लिए कि तुमको किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है। नैन्सी विल गिव यू अ कैंडल, बी केयरफुल हाउ यू कैरी इट, अब इससे क्या पता चल रहा है कि नैन्सी तुम जाओ अपने रूम में, नैन्सी तुमको कैंडल दे रही है और ध्यान से लेके जाना, दिस मीन्स कि उसका रूम बहुत ही डार्क रूम था और वो अकेली लड़की उस डार्क रूम में रह रही थी। ब्रेकफास्ट विल बी एट 7:30, तो ब्रेकफास्ट का क्या टाइम डिसाइड हुआ है, 7:30 AM इन द मॉर्निंग, सी दैट यू आर ऑन टाइम एंड शी इज रीअश्योरिंग कि बेटा टाइम पे आ जाना, आज तो नहीं आए थे, आज तो पनिशमेंट मिली थी, तो दैट इज वाई बार दोबारा बोल रही है कि टाइम पे आ जाना, गुड नाइट, तो ये सारी बात आंट पॉली ने कही है पॉलियाना को।
As was her habit, Pollyanna came to her aunt's side and gave her an affectionate hug. अब उसकी क्या habit थी कि Pollyanna हर किसी को हक दे देती थी जब भी उसको कोई बात अच्छी लगती थी या उसको कोई बंदा अच्छा लगता था या उसकी एक हैबिट थी, मतलब अफेक्शनेट हैबिट थी उसकी, अफेक्शनेट, शी वाज सो अफेक्शनेट. तो उसने आंट पॉली को साइड पे आके बहुत ही अच्छी सी हक दी, अच्छी सी जप्पी डाली. आई हैव हैड सच अ ब्यूटीफुल टाइम सो फार, शी साइड हैप्पीली. वो कह रही है कि मुझे अभी तक सो फार मेरे को कितना अच्छा टाइम व्यतीत हुआ है मेरा यहाँ पे. आई नो आई एम गोइंग टू जस्ट लव लिविंग विद यू. और वो कह रही है मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही मज़ा आने वाला, मतलब आई विल लव, आई एम गोइंग टू लव टू लिव विद यू. मुझे आपके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे ये पता है. बट देन आई न्यू आई वुड बी हैप्पी हियर बिफोर आई केम. वो कह रही है कि बट इस मुझे तो यहाँ आने से पहले ही पता था कि मैं बहुत खुश रहूँगी यहाँ पे. गुड नाइट शी कॉल्ड चीयरफुली, अगेन वर्ड इज चीयरफुली. तो बहुत हैप्पीली वो बोल रही है कि अच्छा आंटी मुझे तो पता था कि यहाँ आने से पहले ही पता था कि मैं यहाँ पे आके बहुत खुश होंगी और मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा. गुड नाइट एंड शी रैन, एज शी रैन फ्रॉम द रूम. कौन सा रूम था ये? सिटिंग रूम. वेल अपॉन माई सोल एक्सक्लेम्ड मिस पॉली हाफ अलाउड. अब वो थोड़ा सा हाफ अलाउड आवाज में मिस पॉली बोल रही है वेल अपॉन माई सोल. तो दिस इज अनदर एक्सक्लेमेटरी रिमार्क विच वॉज यूज अर्लियर एंड मिस पॉली यूज इट. ठीक है, और अब ये दिस इज एन आउटडेटेड रिमार्क, अब ये यूज़ नहीं होता, अब तो हम लेटेस्ट यूज़ करते हैं OMG शॉर्ट फॉर्म्स. शी इज़ ग्लैड आई पनिश्ड हर, कि मैंने तो उसको पनिश किया था और ये खुशघूमी जा रही है. एंड आई मस्ट नॉट फील बैड वन बिट. और मुझे कह रही है कि मुझे जो पनिशमेंट मैंने उसको दी, मुझे उसके बारे में बुरा नहीं मनाना चाहिए या बुरा नहीं सोचना चाहिए. एंड शी इज़ गोइंग टू लव टू लिव विद मी. और वो कह रही है कि उसको मेरे साथ रहने में बहुत अच्छा लगेगा. वेल अपॉन माई सोल वॉट अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड. और वो कह रही है कि ओ माई गॉड शी इज़ सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स बहुत ही अजीब लड़की है, बहुत ही ऑर्डिनरी बच्चों से बहुत ही डिफरेंट बच्चा है ये. सो दीज आर द न्यू वर्ड्स एंड दिस इज ऑथर एलियानर एच पोर्टर. दीज आर द न्यू वर्ड्स विच वी हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. एंड देन देयर इज द एक्सरसाइज हियर. वॉट डिड पॉलियाना सी आउट ऑफ अ विंडो? सो शी सॉ अ ब्यूटीफुल व्यू आउट ऑफ अ विंडो. वेन वी लुक एट थिंग्स टू बी ग्लैड अबाउट, द करेक्ट आंसर इज वी फॉरगेट वट वी डोंट हैव. आंट पॉलियाना सडनली सैट अ लिटिल मोर अपराइट इन हर चेयर. बिकॉज वाई? बिकॉज शी वॉज सरप्राइज एट पॉलियानाज रिप्लाई. नाउ देर आर जस्ट फोर क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स डिस्कस दीज. The question is, why did Pollyanna have only milk and bread for supper? Pollyanna had milk and bread for her supper because she did not come down for her meal on time. क्योंकि वो time पे supper के लिए नहीं पहुंची थी, इसलिए अब उसको punishment मिली थी bread and milk की. Next, what was the game that Pollyanna played? How did she begin playing it? Pollyanna played the just being glad game or simply the glad game. She began playing it when she got crutches in the missionary box. She had wanted a doll, but there weren't any. She had been sent crutches which would come in handy of for any child who needed it. Pollyanna began playing the game when she tried to see positive side to the disappointment. Matlab disappointment mein bhi kisi cheez ki positive side dekhni, tab ye game khelni shuru kari thi. Now the next question is, how did Pollyanna find to be glad about in her small, what did Pollyanna find to be glad about in a small and bare attic room? Things that Pollyanna found to be glad about in a small and bare attic room were the view outside the window, this is the number one, and the fact that there was no mirror in her room to make her see her freckles. So this is point number two. Next question is, what made Aunt Polly call Pollyanna a most extraordinary child? So the answer is, Aunt Polly called Pollyanna a most extraordinary child because Pollyanna had said that she was glad about the milk and the bread as she liked it, and Aunt Polly shouldn't feel bad about it. Pollyanna also said that she knew she would love living with Aunt Polly. So these are the question answers. Now let's discuss some more extra question answers of this chapter. First is, who is Pollyanna Whittier? Now the question is in present tense, so hum answer bhi present tense mein denge. Pollyanna Whittier is a young orphan girl. Now it depends ki ye question kitne marks mein aata hai. Agar ye 2 marks 3 marks mein aata hai to you can write a bit more. Pollyanna Whittier is a young orphan girl, but she is very cheerful, she is very joyful, she is a high spirited girl who always looks at the positive side of the things, and she plays the game, the glad game, and she teaches the game to Nancy. So you can add some more lines depending on the question. कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप मोर लाइंस ऐड कर सकते हो. देन व्हाई डिड Pollyanna कम टू स्टे विद आंट पॉली? नाउ Pollyanna, अब यहाँ पे डिड है तो वी हैव टू राइट द आंसर इन पास्ट टेंस. Pollyanna केम टू स्टे विद आंट पॉली बिकॉज बोथ हर पेरेंट्स वर नो मोर, या बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड. सो दिस वॉज द रीजन. राइट अ फ्यू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर Pollyanna. तो वी नो Pollyanna के लिए क्या क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, दैट शी वॉज ऑर्फन, शी वॉज चीयरफुल, शी वॉज ग्लीफुल, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज यंग ऑर्फन, शी वॉज ऑप्टिमिस्टिक. ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो. आंट पॉली के लिए शी वॉज टर्न एंड अनफ्रेंडली. नैन्सी के लिए शी वॉज अ हाउस कीपर, शी वॉज इमोशनल, शी वॉज केयरिंग, एंड शी शोड इंटरेस्ट, शी वॉज इंटरेस्टेड बिकॉज शी शोड इंटरेस्ट टू प्ले गेम विद Pollyanna, एंड शी वॉज गुड एट हार्ट बिकॉज बार बार शी गेट्स इमोशनल ऑन Pollyanna, Pollyanna's डायलॉग्स वाइल चैटिंग, एंड शी ऑल्सो फील्स बैड वेन एट द thought that Pollyanna has been given such a small attic room, bare attic room. Who is Nancy? Nancy, again, the question is in past tense, so we'll write the answer. The question is in present tense, so we'll write the answer in present tense. Nancy is a housekeeper. What is her job? So housekeeper ki kya job hogi? To do household chores at Aunt Polly's house. Why Nancy got scared in the story? Now, the Nancy got scared because Pollyanna slid down, here better is you to use the word slid down, of a big rock
So you can take it from here that Pollyanna slid down a big rock towards which Nancy was hurrying up. So we can write this that Nancy got scared as Pollyanna slid down a big rock, slid down a big rock towards which, here we can add towards which the Nancy was hurrying up. Okay. Now explain which incident originated the glad game story. So this answer, we can take it from answer number 2, which we have discussed earlier, that she started playing this game when she got crutches in the missionary box. She wanted a doll, but there weren't any. So she had been sent crutches, which could not come in handy, which could come in handy for any child who needed it. So this was the incident that she wanted a doll, but she got crutches. So this was the incident which, because of which the glad game originated. Mention the two instances in Polly's life that made her find hard to play the glad game. So we've already discussed two instances. Kya the? Number one was when her father died and she was left just with the lady's aid. And number two was when she was made to stay in a bare attic room at Aunt Polly's house. So this is point number 2. Why Aunt Polly sat a little more upright in her chair? She sat a little more upright because she was surprised. Ab yahan sat hai na, so this question is in past tense. Because she was surprised to hear Pollyanna's reply. Now we have extracts from comprehension. We have played it always ever since I was little girl. I told ladies aid and they played it well, some of them did. Name the chapter. So the chapter name is Pollyanna the Game. Who is the writer? Writer is Eleanor H. Porter. Who is the speaker of these lines? Speaker is Pollyanna. Who is she speaking to? She is speaking to Nancy. What game is the speaker talking about? The speaker is talking about the glad game or just being glad game. Now define the ladies aid. So this ladies aid is the meaning which we have already discussed and which is given here in the book. So this is the meaning of ladies aid, that it's an organization. Now next. Well, upon my soul, what a most extraordinary child. Chapter is, what is the name of the chapter? The Pollyanna, the game. Writer is Eleanor H. Porter. Who is the speaker of these lines? Aunt Polly is the speaker. To whom the word extraordinary refers to? The word extraordinary refers to Pollyanna. Give two words which describe the speaker. So two words which describe the speaker are stern and unfriendly. And the extraordinary child, two words which describe the extraordinary child. So the extraordinary child was cheerful or gleeful, and other you can write optimistic. Because cheerful or gleeful, dono ka meaning kya hota hai? Happiness ya joyful, happy child. Other you can write is optimistic. Optimistic means the people who see the bright side of the things. So I hope this video was helpful. If you like it, do share it with your friends and like and subscribe our channel. Thank you for supporting so far.